वही वही है वही आसमां, मगर अब वो दिल्ली की गलियां कहां। जमीन भी वही है वही आसमां, मगर अब वो दिल्ली की गलियां कहां। यहां पर ठिकाना किसी का नहीं, ये जालिम जमाना किसी का नहीं। यहां लुट गए कितने ही कारवां, कहां है वो दिल्ली की गलियां कहां। वो उल्फत निगाहों में बाकी नहीं, वो महफिल नहीं है वो साकी नहीं। कोई बंद इंसानियत की दुकान, इलाही वो दिल्ली की गलियां कहां। गया मौसम गुल बहारों के साथ, वो दुनिया गई ताजदारों के साथ। जमाना गया रह गई दास्तां, वो दिल्ली की गलियां कहां। वो दिल्ली की गलियां कहां। वो दिल्ली की गलियां कहां। सच है मिर्जा, अब वो दिल्ली की गलियां कहां। वो जमाने तो जैसे ख्वाब हो गए, भरे मेले भी छड़ गए। कल्लन, ये साईं बाबा को दे दो। ठीक कहते हैं नवाब साहब, ना वो दिल्ली रही ना वो दिल्ली की बातें, अपने लिए तो अब दुनिया ही बदल गई है। लो बाबा, खैर हो बड़े नवाब साहब की दोहड़ी आवाज रहे। बाबा जरा मेरे लिए भी दुआ कीजिए, 12 बरस से कुहारा हूं। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूँ। आइए आइए इब्राहिम। क्यों कल्लन मियां, मिजाज कैसे हैं? अजी मिजाज तो बड़े आदमियों के पास होते हैं, अपने पास तो बस 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 बस। क्यों कुएं से पानी खींच रहे हो? किबला नवाब साहब को हमारे आने की खबर करो। बहुत खूब, आप दनान खाने में, नहीं आप दीवान खाने में तशरीफ रखिए, मैं नवाब साहब को आपके आने की खबर। बस 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 बस, मैं समझ गया, आप जाओ ना। करता हूँ। वक्त की आंधी ने बड़े बड़े रईसों के मुंह फेर दिए मिर्जा, मगर नवाब सफदरजंग का खानदान अभी तक अपनी नगर पर कायम है। खुदा करे हमेशा कायम रहे, मगर कभी कभी पुरानी डगर छोड़ना ही पड़ती है। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है नवाब साहब, हमें भी अब बदलना ही होगा। हाँ, अपना अपना ख्याल है। ये क्या मिर्जा, सेवैया तो तुमने खाई नहीं? मीठा जरा कम पसंद करता हूँ। मगर तुम तो कड़वे नहीं हो। कभी कभी बातें जरूर कड़वी कर दिया करता है। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है। सरकार सरकार, साहब आए हैं। बेग साहब। अच्छी बात, हम आने ही वाले हैं। तो मैं भी इजाजत चाहूंगा, औरों के यहां भी जाना है, ना गया तो शिकायत रहेगी उन लोगों को। तुम जो गायब होते हो तो ईद के चांद के साथ ही नजर आते हो। ऐसा भी क्या है भाई, वक्त निकाल के आ जाया करो दो चार घड़ी के लिए। इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। आदा। अपने इब्राहिम बेग साहब। आधा वर्ष है तुबला नवाब साहब। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। मैंने कहा ईद मुबारक। ईद मुबारक।
बैठो भाई बैठो। शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या अर्ज करूं किबला, बारहा कदम बोसी को जी चाहा मगर हर मर्तबा किसी न किसी वजह से ज़ियारत को ना आ सका। आज ईदगाह से यूसुफ मियां के साथ मोटर में बैठ के निकला तो सोचा कि बस नवाब साहब को ईद का सलाम किए बगैर पलट कर ना जाऊंगा। जी वर खुदा, मगर ये यूसुफ मियां कौन हुए? यूसुफ मियां आप नहीं जानते किबला? आजकल वो दिल्ली के रईसों में गिने जाते हैं, बड़ा रुपया कमाया उन्होंने जंग में। अच्छा अच्छा, खूब याद आया, ये वही है ना जिनके बाप बल्ली मारा में सब्जी बेचा करते थे। अरे किबला उन दिनों की बातें छोड़िए, अब तो वो सोने चांदी में खेलते हैं, कोठियां हैं, मोटरें हैं और माशाल्लाह हैं भी बड़े मिलनसार। और फिर ये सोचा कि खैर से छोटी सरकार भी जवान हो गई, नवाब साहब भी तो फिक्र में होंगे, क्यों ना उनसे बात की जाए। बात की जाए क्या मतलब? मतलब ये मेरा मकसद था कि अगर शादी की बात तय हो जाए तो। तुम क्या कह रहे हो इब्राहिम, मेरी बेटी की शादी हो रही कुंजड़े के साथ? खून खौला दिया है बात करके तुमने इब्राहिम बेग। माफी चाहता हूँ किबला, मैंने तो ये समझ कर अर्ज किया था कि आजकल खानदान देखता ही कौन है, रुपया है तो सब कुछ। रुपया? रुपया तो कोठे वालियां भी कमा लेती हैं इब्राहिम, शायद नस्ल, खानदान, इज्जत, शराफत, इन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत ना हो मगर हमारे बाजार में अभी तक इनका बहुत चौका है। गजब खुदा का, खानदानी नवाबों की बेटियां कुंजड़ों और कबाड़ियों का घर बताए। मगर नवाब साहब चुप रहो जी, नवाब सफदरजंग उस खानदान का चश्मों चिराग है जो तीन सदियां दरबार मुगलिया की रौनक बढ़ाता रहा है। हम उन बुजुर्गों के नाम लेवा है, इज्जत और शराफत, जिनके घर की डांडी थी, जिनकी जोड़ियों पर हाथी झूलते थे, मगर यह है जमाने का इनकलाब। एक सब्जी फरोश का बेटा 5,000 के खानदान से रिश्ता तलब करता है। चमना इधर आओ। जी सरकार। ये क्या है हाथ में? कुछ भी तो नहीं सरकार। कुछ क्यों नहीं, ये फूल कहते हैं? फूल है सरकार। हाँ हाँ फूल है, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं मगर कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ लिए जा रही हो उन्हें, कोई बात तो ठिकाने की कहो। हुजूर किसी ने छोटी सरकार। छोटी सरकार? जरीना को क्या रखती है, किसने भेजे? मुझे तो कुछ भी खबर नहीं सरकार, मुझे तो मालिक है, बड़ा मालिक। बड़ा फूल, क्या जमाने आ गए हैं। फूल क्या अंदर ले जाने हैं सरकार? तुम चुप रहो जी। माली क्यों जी? माली साहब हमारे घर में आजकल ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? मुझे तो कुछ पता नहीं सरकार। शबनम को खबर नहीं, तुझे कुछ पता नहीं, अब है क्यों आंखों में धूल झोंक रहा है? करीबा सरकार, वो तो दरबार ने मुझे सरकार। मैं कहता हूँ करीबा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? यूसुफ मियां, इश्क तो फिर दिल गुर्दे का काम, हमार थप्पड़ तो क्या, हंस हंस के सीने पे तीर खाओ और जब कुछ ना बन पड़े तो जिगर थाम के यही गाओ। जाती है तेरे इश्क में घर जान बला से, पीटे तेरे कूचे में जो दरबान बला से। दरबान से भिजवाए थे कुछ फूल किसी ने, फूलों पे पड़ी ओस, इधर आए पति। बहुत अच्छे हसबे हाल शेर कहा है सुरैया बी ने। सच ही तो कहा है मैंने, किसी गरीब के अरमानों का खून कर दिया मुझ शबनम ने। हाय हाय, छुपा कर लाती तो वो फूल हमारी जरीना बेगम के गले के हाथ तो बन जाते। जरे ये तो बताओ भला, ये मोहब्बत की शमा कब से जल रही है और वो परवाना कब से निसार हो रहा है? हटो भी, हमें ये छेड़ अच्छी नहीं लगती। आए हाय, इसी अदा पर ही तो मरमिटा होगा बेचारा। छोड़ो भी, तुम्हें तो उस बेचारे की पड़ी है, हमें तो अपने बन्नों की लगी हुई है। बैठे बैठाए मोहब्बत का रोग लगा दिया है और वो भी खुदा रखे कम सुनी में। अच्छा जी, तुम्हें मेरे सर की कसम, और कुछ नहीं तो बस इतना ही बता दो कि ये मोहब्बत। ना 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 ना, बेचारी को पसीना आ रहा है, और कुछ पूछिए मगर ये हकीकत ना पूछिए। इनको किसी से क्यों है मोहब्बत, ना पूछिए। हाँ।
हर बात पूछिए, ये हकीकत ना पूछिए। हर बात पूछिए, ये हकीकत ना पूछिए। जी हमको किसी से क्यों है मोहब्बत ना पूछिए, मोहब्बत ना पूछिए। हमको किसी से क्यों है मोहब्बत ना पूछिए, मोहब्बत ना पूछिए। हर बात पूछिए, ये हकीकत ना पूछिए, ये हकीकत ना पूछिए। किसी से क्यों है मोहब्बत ना पूछिए, मोहब्बत ना पूछिए, ना पूछिए, ना पूछिए, ना पूछिए। हाँ, हमको किसी से क्यों है मोहब्बत ना पूछिए, मोहब्बत ना पूछिए। मेरी हालत ना पूछिए।
हो ना मैं कौन? मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूँ। यार ब्राइम बात तो तू ठीक ही कह रही है। तो लाओ मिलाओ हाथ। मिलाओ ईद के दिन खाली हाथ? ये तो मैं समझ ही लिया था, नावा ढीला होता जा रिया है। अरे लाओ ना है। ज्यादा ना लेना। ये लो। अच्छा यूसुफ मियां ये बता दो कहाँ मिलोगे? यार वही वही। अच्छा लैला के घर? ऐसे बोल यार कोई सुन लेगा। सुनो सुनो घंटे वाले के यहाँ से मिठाई ले जाओ, अरे खुश हो जाएगी। ये भी ठीक है। अच्छा वही मिलेंगे, मजनू भटक रहा है लैला तेरी गली में। मजनू? अरे लैला तेरी गली के चक्कर काटते काटते मजनू हो रहा हूँ आजकल। अजी रहने भी तो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बादल में छिपे हुए चांद की तरह कभी सूरज दिखा दी और कभी गायब, चाहे मर जाए कोई इंतजार करते करते। हाय तू मर रहेगी तो मैं कब जिंदा बच रहूंगा? सच कह रही हूँ, चांदनी चौक में तेरी खातिर उंगलियां उठे हैं तेरे यूसुफ पर और तू अभी तक मेरी मोहब्बत पर शक ही करे जा रही है। भला मैं कहाँ फिरती हूँ गली गली जो तुम्हारी बातें सच मान लूं? बदमिजाज हो गई? देखो जी इतना जी ना जलाया करो, दुनिया छोड़ रखी है तुम्हारे लिए मैंने। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूँ। आओ इब्राहिम, यही सोच रही थी कि आज तुम्हारी कमी कैसे रह गई। अजी लैला भी भला ताश के पत्तों में कभी हुक्म के गुलाम की कमी हुई? हम तो आप लोगों के हुक्म के गुलाम हैं, याद कीजिए और हाजिर। आहा लो चांदनी चौक से ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। देख देख जरा परे हट के यार ब्राइन, ये नहीं चलेगा यहाँ। हाँ है जो यो जरा परे हट के। लो भाई हम खुद ही पहन लेते हैं। पहन। अपने यूसुफ को इस गली का रास्ता क्यों भुला दिया इब्राहिम? अजी आजकल लैला का मजनू नवाब की गली का चक्कर काटने लग गया है। नवाब? भला ये नवाब साहब कौन हुए? वही वही चटरे का बिगड़ा नवाब, खड़े खड़े खरीद लूं फुर्सत को, काम पड़ गया तो शान दिखा रहा मुझको। खानदान लिए फिर रहा है यूसुफ में? हाँ वो खानदान लिए फिर रहा है और ये पानदान लिए फिर रहे। हम दो एक गिलोरियों तो खिलवा दो इनके हाथ से। आए यार ब्राहिम काहे को टांग लगा रही है बीच में, मैं जरा गजल सुनने के हक में हो रहा हूँ। क्यों गजल? हाँ हाँ लैला भी जरा हो जाए ना, एक फड़कती हुई हो जाए ना। बदल चले है जो उनकी नजर तो क्या कीजे, बदल चली है जो उनकी नजर तो क्या कीजे, वफा का थाम के दामन जा कीजे, जादू बुरा बंगाल का पूरब ना जी हो, पूरब ना जी हो बाल मा, जादू बुरा बंगाल का पूरब ना जी हो, पूरब ना जी हो बाल मा, हो ना जी हो मेरे बाल मा, पूरब ना जी हो कान से पत्थर लिए लैला कल से।
थाम के चाप चले जा, जुबान से कहना पड़ा। क्या जादू बुरा बंगाल का ना दे हो, हो बाल माँ पूरब ना दे हो, मुझे हो कर दिया तूने। क्यों यार इब्राहिम, तू कहां भटक रहा है यार? आहा, वो मारा यूसुमिया, यूसुमिया जरा सुनो तो, सुनो। ओहो सुनो भी, क्यों देखा ना है यार इब्राहिम, आई नहीं फिर कभी, अकेली लैला की। ओहो रहने भी दो, ये लैला मजनू की कहानी तो होती ही रहेगी। तुम चलो ना यार। ओहो उठो भी, क्या कर रहे हो? और चलो यूसुफ, चलो जल्दी चलो। आओ आओ शाबाश। ओ ठहर यार, देखता नहीं मैं जूता पहन रहा हूं। ओहो जूते बहुत मेरे यार, तू जरा लपक के चल चला। ओहो फिर कब आओगे यूसुफ? घबराओ नहीं लैला भी, घर के बुद्धू घर को ही आएंगे। चलो ना चलो। कदू मार दिया यार। अकबर भाई आइए इब्राहिम, ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि जिंदगी भर दुआ दोगे अपने इब्राहिम को। कैसी खुशखबरी इब्राहिम भाई? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। बोल देना यार, बोल देना, काय को अटक रिया है? बोल दो यूसुफ मियां। उगल दे उगल दे। तो सुनो अकबर भाई, सुनो तरकीब तो खूब है मगर। अकबर भाई बुजुर्गों ने कहा है कि यारों में अगर मगर नहीं हुआ करती। इब्राहिम भाई मगर सोचे तो। ओहो फिक्र मत कर यार, अपना इब्राहिम जो कुछ कर रहा है तो समझ के कर रहा है। हाँ मगर हाँ फिर वही अगर मगर। अरे यार तुम गड़े में गिरोगे तो हम कुएं में छलांग लगा देंगे। क्यों यूं सब यहाँ बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं मेरा यार। अच्छा तो अकबर भाई अब हम चलते हैं, तुम अपनी तैयारी करो और हम अपना काम शुरू करते हैं। बुजुर्गों ने कहा है मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूँ। खुदा समझे लोगों से, ला खरीदो फरोख्त करो मगर मजाल है कि वक्त पर कोई भी चीज काम की मिल जाए। अरे ये क्या उठा ले? वो ला वो जो बन्नी मियाँ की शादी वाले दिन पहनी थी। ला हौले वाला खुद। अरे बेगम तुम क्या खड़ी मेरा मुंह तक रही हो? इतनी देर में मेरी कामदार टोपी उठा लाई होती। उफ ओ तौबा, बेटी जरीना जरी मेरे लिए दो एक रुमाल निकाल लाओ। अरे शबनम कल्याण कहाँ मर गए सबके सब? जी सरकार। मेरी जुराबे कहाँ रख दी हैं तुमने? सरकार आपके हाथ में तो हैं। इन लोगों ने पागल बना दिया है मुझको। तौबा खुदा जाने ये कपड़े की है या चमड़े की। लीजिए। वाह 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 क्या कहना, अगर कोई काम करता है इस घर में तो मेरी बेटी। हाय ये क्या, मैं स्वांग भर रहा हूँ, एक काली एक सफेद, ये क्या है? आप ही ने तो बदल कर पहन लिए हैं, देखिए ना दोनों जोड़ तो पड़े हैं अब्बा हुजूर। तो पहले ही बता दिया होता ना आपने अब्बा हुजूर को। ये लो टोपी। हाय
है ये टोपी है? नहीं तो क्या जूता है? नहीं मेरा सर है। ला। तो बल्ला आपने तो आज हाथ पांव फुला दिए सबके। मैं पूछती हूँ आखिर तैयारी कहाँ के लिए? तुम चुप रहो जी। बेटी जरीना जरा अपनी अम्मी को पढ़ के सुनाइयो क्या लिखा है इस खत में। ऊपर आपका नाम लिखा है। पढ़ो पढ़ो कोई बात नहीं। बखिदमत जनाब नवाब सफदरजंग साहब, आदाब व तस्लीमात के बाद अर्ज है कि पीर को सुबह 11 बजे की गाड़ी से नवाब फखरुल दौला के नवासे लखनऊ से दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि आप दिल्ली के आला नवाबीन खानदान से हैं इसलिए यकीन है कि उनके इस्तकबाल में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। देखा बेगम एक तुम हो कि हमको खातिर ही में नहीं लाती। ये सब तो हुआ मगर वो है कौन आखिर? अरे भाई होंगे कोई लखनऊ के नवाब। मेरे पास शजरा तो है नहीं वरना वो भी पढ़ के सुना देता। तुम चुप रहो जी। मेरा मतलब है कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं? नहीं भाई बंदेली का रुखा मिला था कि लखनऊ से कोई नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं खुद उन्हीं के इस्तकबाल को हाजिर हुआ हूँ। आइए गाड़ी आ चुकी है। क्या आज गाड़ी वक्त से पेशतर आ गई? लो भाई बंदे अली तुम्हारा रुखा मिला और हम हाजिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। लीजिए लीजिए जल्दी करिए। अरे वो नवाब साहब तो उतर रही है। चलिए चलिए। आहा खुशामदी खुशामदी नवाब साहब। आहा आप हैं नवाब फखरुल दौला साहब के नवासे नवाब अकबरुल दौला अवध के शाही खानदान के नाम लेवा और आप हैं अपने नवाब सफदरजंग साहब बहादुर दिल्ली की तहजीब और वजेदारी आप ही के दम से जिंदा है। आराम से आदाब अर्ज कर रही हूँ नवाब साहब। जी मोटर ला रही हूँ आपके लिए अपनी कले ठहरा रही हूँ कोठी पे। अरे नहीं यूसुफ मियाँ नहीं ये तो नवाब साहब का ही हक है। अरे भाई नवाब तो नवाबों का ही ठहर सकते हैं क्यों नवाब साहब? क्यों नहीं क्यों नहीं दिल्ली में सफदर जंग के होते हुए लखनऊ के नवाब कहीं और कयाम फरमा सकते हैं। जी मैं कह रही हूँ चुप रहो जी। आइए देखिए भाई। खाली हाथ यार ब्राइन तू स्टेशन पे भी अपनी गाड़ी हाँक रिया है? अभी दे दो बाकी लौटा दूंगा। नावा ढीला होता जा रहा है। दरअसल आपके आने की अचानक खबर मिली इसलिए मैं मेहमान खाना ना ठीक करा सका जी। यू तो ये मेरा ही कमरा है फिलहाल आप यहीं तशरीफ रखें इतनी देर में मैं मेहमान खाना ठीक करा लेता हूँ। शुक्रिया। आप आराम फरमाएं। आदाब। मैंने कहा बेगम आज शाम को 10-20 आदमी आ रहे हैं खाने पर। मगर ये दावत कैसी दी जा रही है सारे शहर को? तो क्या नवाब साहब को अकेले ही खाना खिला दूं पहले दिन? आपके तो 12 महीने ही मेहमान आते रहते हैं। तो क्या मेहमानों को घर से निकाल देता है कोई? मगर ये रोज रोज के खर्चे कैसे पूरे हो? जायदाद से जो कुछ आता है वो तो 8-10 रोज के लिए पूरा होता है। तुम तो बेगम जब देखो यही बातें लेके बैठ जाती हो। तो फिर और क्या करूँ आपको तो कुछ नजर आता ही नहीं। घर में जवान लड़की बिठा रखी है और आपके खर्चे हैं कि पूरे होने के नाम नहीं लेते। खुदा पना दे इन औरतों से एक मुसीबत बना रखी है। बात करना महान है। अरे कहाँ चले? जहन्नुम में। अरे सुनिए तो शबनम ओ शबनम अरे कहाँ मर गई? क्या है अम्मी? बेटी वो तो गुस्से होकर चले गए हैं। जरी तुम्हें जाके पूछो कि कितने आदमी आ रहे हैं दावत में आज। अब्बा हुजूर अब्बा हुजूर अब्बा हुजूर अब्बा हुजूर। अम्मी पूछती हैं आज कितने आदमी आएंगे दावत में। बोलते क्यों नहीं अब्बा हुजूर? अब्बा उल्ला आदाब से खासा को अब्बा कहते। फलाइयों के चुप सका है ये नाजुक कलाइयां
ये लहराती हुई जुल्फें और ये झांकती हुई आंखें, सभी कुछ तो दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा हुजूर, मेहमानों से इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। पर्दे से हाथ, हाथ से पर्दा हटाई। मैं वो बला हूँ पत्थर तो तोड़ दूँ। अकबर भाई, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। बहुत बहुत बातें करने को जी चाह रहा था। इब्राहिम भाई, इस वक्त मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए बातें किसी और वक्त उठा रखा। हाँ, तबीयत की भी खूब कही, तबीयत तो बातों में बहल जाती। नहीं इब्राहिम भाई, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। यूं तो छुटकारा ना हो सकेगा मेरे भाई, बहुत थके थकाए आए हैं। लिहाजा ये रही मेरी छड़ी, ये रहा जनाब का दीवान और ये रहा हकसार। अच्छा, जो भी राम कहानी जल्दी से कह डालू और चला जाऊं। अकबर भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हम अजीब आदमी, कमरे में ना धूप आने देते हो ना हवा, तबीयत खराब ना होगी तो और क्या होगा। अरे इब्राहिम, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम जरूर कुछ करके रहोगे। हम हटो भी। इब्राहिम भाई, पर्दे को इसी तरह रहने, दरअसल मुझे अंधेरा पसंद है। हाजी हजरत, ये अभी से अंधेरे क्यों पसंद आने लगे? आखिर क्या राज है इन पर्दों में? पर्दे में तो कोई राज नहीं, मैंने तो यूं ही बात की थी। खुदा के लिए आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए, मेरी तबीयत सख्त परेशान। हाजी अकबर साहब, और होंगे तेरी महफिल से निकलने वाले हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए। क्यों भाई, क्या शेर व शायरी हो रही है? आइए नवाब साहब। आदर। अरे शेर व शायरी तो कुछ नहीं हो रही थी अपने नवाब साहब, इनकी तबीयत नसीबे दुश्मना अच्छी नहीं। मैंने इनसे कहा कि धूप और हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये सोच के मैंने पर्दा हटाना चाहा, लेकिन क़िबला क्या अर्ज करूं, इन्हें अंधेरा पसंद है। ठीक ही तो कह रहे हैं इब्राहिम बेग, हटा दो पर्दा, धूप और हवा सेहत के वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। क़िबला बजा फरमाते हैं। क्यों नवाब साहब, तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है? जी अब तो कुछ ठीक हो चली है। तो चलिए, मैंने आपके लिए मेहमान खाना ठीक करा दिया है, वहीं आराम फरमाइए। नवाब साहब, मुझे तो आप यही कमरा इनायत फरमा दीजिए। दरअसल बात यह है कि मुझे आपके इस कमरे से, बल्कि यूं समझिए कि कमरे की हर चीज से कुछ ऐसी मोहब्बत सी हो गई है कि जैसे आप पसंद फरमाए। इब्राहिम बेग जी, चलो भाई हम लोग चले, नवाब साहब को आराम करने दें। चलिए। आदाब। आदाब से किबला नवाब साहब। अगर कोई देख लेता तो हम कह देते कि हमारे दिल की कशिश आप पे खींच लें। मगर मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी। खुदा करे हर रोज आपसे ऐसी गलती हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। चली जाइए। मगर आप देख जो रहे, आप बंद कर लीजिए ना। फिर भी पर्दा कहाँ रह जाएगा, आंखें बंद करने पर भी तो आप ही को देखा करता हूँ। जरीना बेगम, क्या आपको मेरे दिल की धड़कनें नहीं सुनाई देती? जरीना बेगम, पसीना ना हम समझे ना पाए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। चले मेरी नैनुआ, हाय न जाने कैसी चली हवा, क्यों लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया, हाय मुझे ये क्या हो गया। बहक चले मेरी नैनुआ, हाय न जाने कैसी चली हवा, क्यों लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया, हाय मुझे ये क्या।
हटे ना, मैं रहे मेरे छुपे छुपे। आंचल से मेरा हाथ हटे ना, मैं रहे मेरे छुपे छुपे। खड़ी रहूं दर्पण के आगे, उलझी लट ना सुलझ सके। हाय उलझी लट ना सुलझ सके। मुझे तो मेरे हाल पे शर्माना कोई पिछला गया। क्यों न लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया। हाय मुझे ये क्या हो गया। कहीं मेरा दिल कहीं कोई कैसा ये जादू चला गया। क्यों न लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया। हाय मुझे ये क्या हो गया। मन में रुमक झुमक ये कैसी रहे, क्यों पाऊं मेरे मन में रुनक झुनक ये कैसी नाच रहे, क्यों पाऊं मेरे। ये तूफान ये हलचल कैसी, बिन मौसम क्यों घटा गिरे। हाय बिन मौसम क्यों घटा गिरे। घड़ी घड़ी मचले दिया जैसे फिर से लड़कपन आ गया। क्यों लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया। हाय मुझे ये क्या हो गया। बहक चले मेरे नैनुआ, हाय न जाने कैसी चली हवा। क्यों लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया। हाय मुझे ये क्या हो गया। माशाल्लाह लाख, एक बार आपसे गलती हो गई थी, हाँ सोचा हम ही गलती किए लेते। चले जाइए, कोई देख लेगा। आखिर जाना ही तो है ज़रीना बेगम, मैं तो यहाँ दो दिन का मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल चला जाऊंगा। देखिए हमारा यूँ तन्हाई में मिलना अच्छा नहीं। बाहरी सादगी महफिल में दुनिया ना मिलने दी, अकेले में आपको इतराज थी। शायद कल से ख्वाबों में आना भी छोड़ देंगे। ज़रीना बेगम, ज़रीना बेगम, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। देख यार इब्राहिम, तू ये बात बनाना छोड़ दे यार। मैं कह दे रही हूँ, तू उस मालिक के लमडे को नवाब के यहाँ छोड़ाया, मैं इधर टाप रहा हूँ, वो उधर ठाप से इसलिए लड़ा गया होगा। ओहो, समझते नहीं हो यूसुफ मियां, ये सारी तिकड़म तो तुम्हारी खातिर ही हो रही। जानते हो ना मैं कौन, मैं वो बला हूँ। जानते यार जानते, खाली ढींग खाक रिया है। मैं वो बला हूँ, बलाई बनकर तो चिपक रही है मुझको। फिर वही बात, समझते नहीं हो यूसुफ मियां, इसमें तुम्हारे इब्राहिम की बहुत गहरी चाल है। सुनोगे तो कान लगा कान। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, हाँ सुनो तो। हाँ क्यों, हाँ समझते तो हो सब कुछ मेरे यार, फिर भी दिल तोड़ने की बातें करते हो। नहीं नहीं, लाओ मिला हाथ। हाँ मिला हाथ। आए खाली हाथ यार ब्राइन, कल तो पूरे 50 दिए थे, एक ही दिन में सब उड़ा के आ गया है क्या। यूसुफ क्या बातें हो रही हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा अपने यार से दिल लगी कर लिया था। और दिल की लगी में दिल लगी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम तो चले मियां। इब्राहिम इब्राहिम, लैला ऐसा दिखाई दे रहा है यूसुफ कि तुम छोटी तसल्लियां देते चले आ रहे हो मुझे। पर चला ही तो आ रही हूं, जा तो नहीं रहा हूं कहीं।
फिर वैसी बातें शुरू कर दी। बताओ ना, कब शादी करोगे मुझसे? शादी? अरे तू एक शादी को मरी जा रही है? सच कह रहे हो लैला, मैं 10 मरतबे शादी कर लूंगा, 20 मरतबे शादी कर लूंगा, 1 मरतबे शादी कर लूंगा। अभी तो खुश है? बड़ी सरकार ने गिलोरियां भेजी हैं। हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सरकार, नवाब साहब शुक्रिया अदा करते हैं। पूछो, किसी बात की तकलीफ तो नहीं? आपको किसी बात की तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। कह दो, जिस चीज की जरूरत हो मांग सकते हैं। आप हमारे बेटे की जगह है। आप हमारे बेटे की जगह? जी जी, बड़ी सरकार कह रही है। पूछो, कल बाग में क्यों तशरीफ ले गए थे? कल बाग में क्यों तशरीफ ले गए थे? जी वो तो मैं गलती से चला गया था। पूछो, ऐसी गलती क्यों हुई? ऐसी गलती क्यों हुई? जी माफ कर दीजिए, अब नहीं होगी। कहो, आपको सजा दी जाएगी। अजी सजा तो मिलती रही है। क्या मतलब? मतलब तो इशारों में ही समझाया जाता है। दरअसल बात यह है कि... क्या बात है? जी बात तो हो सकती है, मगर इस तरह नहीं। क्यों? इसलिए कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठी। जरीना के सर सेहरा देखने की तमन्ना लेकर तो शायद मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा ना कहो बेगम, तुम्हारी सूरत देख देख के तो मैं जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। याद है वो दिन जब हमारे तुम्हारे सर पसीरे के फूल खिले थे? कहाँ बुढ़ापे में जवानी की बातें लेकर बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ, आप खानदान चाहते हैं ना जरीना के लिए? फिर ये लखनऊ के नवाबजादे जो आए हैं, उनसे बात क्यों नहीं उठाते? मैंने ओर से जरी देखा, मेरी तो आंखों में खूब कर रह गई है। तो क्या तुम ये समझती हो कि हम ऐसे वैसे मेहमान घर में लाते हैं? तो फिर इन्हीं से ठहरा दीजिए ना जरीना की बात। भाई चाहते तो हम भी यही हैं, मगर लड़की वाले होकर जबान कैसे खोल सकते? सरकार, एक चीज बड़े साहब आए हैं। क्या कहा? इब्राहिम भी बेगम, बस समझ लो कि काम बन गया। अच्छा मैं चला। इब्राहिम भी आदाब बजा लाता हूँ। किबला नवाब साहब आदाब अर्ज है भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी इब्राहिम भी, अभी अभी तुम्हारा ख्याल आया। अरे आपके ख्याल में इब्राहिम का आना भी तो बहुत बड़ी बात है, फरमाइए क्या हुक्म है? अरे भाई हुक्म क्या, मुझे तुमसे एक मशवरा लेना है। हम दर्द ना तुम हमारे इज्जत अफजाई है तुल्ला। अब तुमसे किसी बात का फर्द ही क्या, घर का मामला है। बात यह है इब्राहिम बेग, वो जो अपने लखनऊ के नवाबजादे हैं ना, वो हमें भा गए हैं, हम उनको अपना दामाद बनाना चाहते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? सुभान अल्लाह, बड़ा मुबारक ख्याल है नवाब साहब। अब मालूम यह करना है कि नवाबजादे साहब अभी अपनी शादी करना चाहेंगे भी या नहीं। किबला एक रोज टटोल ना तो चाहा था मैंने बातों में, अब तो वो भी अपनी अकेली जिंदगी से कुछ घबरा से गए हैं। अच्छा? जी हाँ, अब तो वो दिल्ली को अपना वतन भी बनाना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छा है इब्राहिम बेग, अगर रिश्ता हो गया तो जमीना बेटी अपनी आंखों के सामने ही रहेगी। इसके अलावा एक तरह से सरपरस्ती भी आप ही की रहेगी किबला, अपने नवाबजादे साहब खानदान में अकेले ही बच रहे हैं। अच्छा, तो अब लखनऊ में उनका कोई नहीं? मालूम तो यही हुआ किबला। चलो एक तरह से ये अच्छा ही है, न सास बहू के किस्से न ननन भावत की झगड़े। भाई इब्राहिम बेग, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, अब इस मुबारक काम को तुम अपने ही हाथों पूरा कर दो। नवाब साहब की तरफ से तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो, हमें तो तसल्ली होगी। इब्राहिम बेग आपका कभी बुरा ना चाहे किबला, अगर कुछ ऐसी ही बात हुई तो डोला उठते उठते भी आपको हालात से आगाह कर दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है इब्राहिम बेग। अकबर भाई, क्या याद करोगे दिल्ली किसी बांके से दोस्ती की थी? अरे मियां, तुम्हारा तुम्हारी जरीना बेगम का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। जरीना बेगम, हमारे ये क्या गजब किया तुम है? गजब किया? अजब आदमी हो यार, तुम्हारे लिए तो हमने इब्राहिम भाई, ये सच है कि मैं जरीना बेगम से प्यार करता हूँ, लेकिन जिंदगी के ऐसे नाजुक मामले में
मैं किसी को धोखा देना नहीं। मगर इसमें धोखा देने की कौन सी बात है मेरे भाई? धोखा नहीं तो और क्या है? मैं दिल के धोखे में आकर जरीना से शादी कर लूं और बाद में मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया। अरे यार बाद में क्या, नवाब साहब को तो सब कुछ पहले से ही मालूम हो गया है। वहां तो मामला ही कुछ और निकला। बात दरअसल यूं है कि जरीना बेगम ने किसी तरह दो एक बार तुम्हें देखा सुना, बस दिल ही तो है, उन्होंने बड़ी बेगम से कहा और बात होते हवाते नवाब साहब तक पहुंच गई। सच इब्राहिम भाई? नहीं तो क्या झूठ। और फिर कुर्बान जाऊं तुम्हारे इब्राहिम पे, जिसने बातों बातों में नवाब साहब को राम कर लिया। कहां तो वो पंच हजारियों के खानदान से कम रिश्ते पर जमते ही ना थे, और कहां वो तुमको अपना दामाद बनाने पर राजी हो गए। अमर तुमको लो। काम चुप रहो जी, नवाब सफदरजंग उस खानदान का चश्मो चिराग है जो 300 साल तक दरबार मुगलिया की रौनक बढ़ाता रहा। इज्जत और शराफत जिनके घर की लौंडी थी, जिनके दरवाजों पे हाथी झूलते थे। मगर यह है जमाने का इनकलाब, एक पंच हजारी खानदान का नवाब अपने मालिक के बेटे से अपनी लड़की का रिश्ता तलब कर रहा है, और वो भी आपकी दुआ से। कौन चुप रहो जी। क्या ब्राइम, तू हंसे ही चला जा रही है। अरे मैं क्या, भरी चांदनी चौक हंसेगी उस पंच हजारी नवाब पर। क्यों मियां आपकी दुआ से? जी हाँ आपकी दुआ से। ये खाकसार भी उस खानदानी नवाब को इत्र की ऐसी फुरेरियां सुंघाएगा, ऐसी सुंघाएगा कि सारी जिंदगी गर्म छींके और ठंडी आहें आती रहेंगी आपकी दुआ से। और ये है इतने संभूल आपकी दुआ से, और ये इतने उरू से नौबहार खालिस बेगमाती मजाक की शहर सरकार आपकी दुआ से। अगर गलती से एक कतरा टपक पड़े तो बरसों कमरा महकता रहे आपकी दुआ से। बात हो, बात हो। और हुजूर जरा इसे मुनाजा फरमाइए, बड़ी नायाब शहर है, इतने गुलाब लाजवाब दिल पसंद, रुमाल पे लगा के सहरे चमन को निकल जाइए, भौरा मंडलाता फिरे आपकी दुआ से, बुलबुल हजार जान से कुर्बान हो रहे आपकी दुआ से, कपड़ा घिस जाए फट जाए मगर खुशबू मध्यम न होने पाए आपकी दुआ से। ठीक ही होगा। और हुजूर यह है नखते लाला रुख शाने लखनऊ, लखनऊ के नवाबी जान छिड़कते हैं इसके खुशबू पर आपकी दुआ से। एक दफा इसकी एक शीशी भूले से गोमती दरिया में लौट गई थी, आज तक पानी महक रहा है आपकी दुआ से। तो क्या तुम लखनऊ के नवाबों को भी इत्र दिया करते हो? अजी हुजूर क्या अर्ज करूं, सैकड़ों फरमाइशें आती जाती रहती हैं आपकी दुआ से। सुबह शाम लखनऊ की गलियों में सैरों इत्र खपता है आपकी दुआ से। क्यों ना हो। हाल ही में नवाब एतमादुद दौला ने 50 शीशियों की फरमाइश की है, और नवाब अकबरुद्दौला। अकबर जी जनाब 250 तोने का ऑर्डर इन्हें फरमाया है आपकी दुआ से। तो क्या तुम नवाब अकबरुद्दौला को जानते हो? अजी हुजूर भला उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो जाने लखनऊ है आपकी दुआ से। ऐसा सुना है कि आजकल दिल्ली ही में कयाम है उनका आपकी दुआ से। हाँ भाई तुमने ठीक ही सुना है। मैं जरी अंदर हो जाऊँ। जरूर। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर, आधा वर्ष है तबला नवाब साहब। आओ भाई इब्राहिम बेग, मैं तुम्हारी राह तक रहा था। आओ अजी मैंने कहा ये आपकी दुआ से क्या हुआ? हैं जी कुछ आदत ही सी पड़ गई है आपकी दुआ से। अच्छा तो आपकी दुआ से एक इतने बुलबुल दे दीजिए। इतने बुलबुल अहमत, इतने बुलबुल नहीं इतने संबुल। अजी तो हम कोई जबान दान थोड़ी है। अरे बरखुरदार अभी आपकी उम्र ही क्या है, कुछ दिनों में जुबान दान। बस 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 मैं समझ गया। ए मिस्टर, ए मिस्टर आपकी दुआ से देखो एक नमूने की सीसी दे दो छबनम के लिए, मनो इतर खपा दूंगा। तो फिर ये लो, अब पोता लिए दादा बरते आपकी दुआ से। इसे बूढ़े सूंगे तो जवान, और जवान सूंगे तो नौजवान, और नौजवान सूंगे तो बच्चे, और बच्चे छूले तो फूल, और फूल छूले तो अजीब तरफाई की तरह बन जाएगी आपकी दुआ से। एक दफा इसकी एक फुरेरी कानपुर में मैंने अपने कान में रख ली थी, तो नागपुर में मारे खुशबू के नाचीज के नाना जान की नाक फटने लगी थी आपकी दुआ से। ये क्या है? अरे भाई मिर्जा आ गए तुम तो।
मुबारक हो खुदा ने ये मुबारक घड़ी तो दिखाई। आओ भाई कहना कही। अरे भाई मैं कोई मेहमान थोड़ा ही हूँ। तुम्हारा निकाह ज़रीना बेगम बिनते नवाब सफदरजंग से बिलवस 25,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है, तुमने कबूल किया? कबूल किया मैंने। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे बदन, इब्राहिम बेग नहीं दिखाई दे रहे? जी दूल्हा मियां भी आए, पूछ रहे थे, पूछ रहे थे। तुम चुप रहो जी। अरे यूसुफ, यूसुफ, अरे उठो उठो उठो, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी? किसकी गाड़ी? बेटी बाप के घर अमानत की तरह होती। आज मैं अपने सीने पर सब्र की सिल रखकर तुम्हें किसी को सौंप रहा हूं। तुम हमारे खानदान की लाज हो बेटा, हमारी इज्जत, उसे हर सूरत बनाए रखना। और अपने बाप की एक बात हमेशा याद रखना, मायके से लड़की का ढूंढा जाता है और ससुराल से उसका जनाजा निकला करता है। जाओ बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे। अजी गजब हो गया, क्या हुआ है भाई? किबला की आवाज करूं, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं। जरा अंदर तशरीफ ले चलिए। कैसी बुरी खबर है भाई? क्या करूं किबला, आपके खानदान की नाक कट गई, आपकी इज्जत बर्बाद हो गई, आप कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। मगर बात क्या है भाई? किबला मैं खुद इसी खोज में लगा हुआ था, पता चला है कि अकबर नवाब नहीं माली का बेटा है। क्या, माली का बेटा? हाँ किबला, मुझे खास जरिए से मालूम हुआ है कि आपके बाग में बशीर जो कभी माली का काम किया करता था, ये अकबर उसी का बेटा है। क्या कह रहे हो इब्राहिम? किबला मैं पूरी तसल्ली का क्या रहा हूँ, इस बहरूपिये ने हम सबको धोखे में रखा। दरअसल इसे बचपन से ही छोटी सरकार से मोहब्बत थी, जब और कुछ ना बन पड़ा तो ये लखनऊ का नवाब बनकर यहाँ दिल्ली में आया और इस चाल से आपकी इज्जत पर डाका डालना चाहता था। इब्राहिम नवाब साहब, ये शादी नहीं हो सकती, लिल्ला ये शादी रुकवा दीजिए, मैं आपके खानदान की बेइज्जती होते कभी नहीं देख सकता। खानदान की बेइज्जती? क्या बात है नवाब साहब? हट जाओ मिर्जा, बताइए तो सही। एक माली का लड़का मेरे होते हुए खानदान की नाक नीचे करके हरगिज नहीं जा सकता, इसने हमें धोखा दिया है मिर्जा। जलील कमीने, तूने भय बाजार में हमारे गरीबान पर हाथ डाला है। आप क्या कर रहे हैं नवाब साहब, जरा सोचिए। तुम चुप रहो जी, मेरी रगों में खून बन रहा है। मगर बात क्या है आखिर? वो बात जो आज तक कभी नहीं सुनी थी, इसने चौराहे पर हमारी पगड़ी उछाली है, इसने हमारी इज्जत के मुंह पर तमाचा मारा है, इसने हमारे खानदान को गाड़ी दी है। मैं इसके चेहरे के पूछ चढ़ा देगा। मिर्जा,
क्या बाप अपने हाथ में अपनी सुहागन बेटी को बेवा बना देना चाहता है? खानदान की लाज बचाने के लिए बेटी का बेवा होकर मर जाना ही अच्छा है। चलो बंदूक मिर्जा। नवाज साहब, शादी के घर में मातम नहीं हुआ करते। छोड़िए बंदूक, कहां हो सके ये डोला उठाए। हमारे होते हुए डोला नहीं उठेगा। डोले से उतर आओ बेटी, अभी डोला नहीं जाएगा। डोला जाएगा बहुत। रीना बेटी, ये तुम कह रही हो? जानती हूँ, शरीफ लड़कियां ऐसे मौकों पर कुछ नहीं बोला करती, मगर शरीयत के रूह से मैं एक बार जिसकी हो चुकी हो चुकी। आप ही ने तो फरमाया था अब्बा हुजूर कि मैके से लड़की का डोला जाता है और ससुराल से उसका जनाजा निकला करता है। मगर जनाजा तो हमारी इज्जत का निकल रहा है, खानदान की लाज लुट जाएगी बेटी। पर अपने ही घर की ड्यूटी पर बेटी को डोले से उतारने में खानदान की लाज कहाँ रह जाएगी? तुम चुप रहो जी। ये चुप रहने का मौका नहीं है। बेटी का निकाह हो चुका है, भरी बिरादरी में डोला रखवा कर आप खुद अपने खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं। दुल्हन यहाँ ये देकर चले गए हैं। मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं दिया तो और क्या किया? गुस्सा हराम होता है नवाब साहब, गुस्सा थूक दीजिए, जो होना था हो चुका। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या हो गया, क्या आप मेरी लड़की को एक माली के घर भिजवा देना चाहते हैं? अगर कोई इंसान माली का काम करता है तो क्या वो अपनी इंसानियत को देता है? आप सारी जिंदगी खानदान को रोते चले आए, मगर सच पूछिए तो दुनिया का सबसे बड़ा खानदान इंसानियत है, और इंसानियत का कोई खानदान नहीं होता। नवाब साहब, इंसानियत और शराफत अगर अमीरों में है तो गरीबों में। मगर मिर्जा, अगर आप अभी तक अपनी बेटी के डोले को अपनी इज्जत का जनाजा समझे हुए हो तो मैं इसे जनाजा ही समझकर इसके ससुराल के ड्यूटी तक छोड़ा था। चलो उठाओ बाहर। यार ब्राइन, डोला तो जा रही है और ये मेरा शेरा भी बेफजूली गया। घबराओ नहीं यूसुफ मियां, शह पड़ी है, मात तो नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान को मेरा जनाजा जा रहा है। यार ब्राइन, यार ब्राइन। अकबर, तुम जिंदगी के जिस साथी को अकेला छोड़ा है थे, मैं उसे अपने साथ तुम्हारी ड्योड़ी तक पहुंचाने आया हूँ। अकबर, अकबर तो घर नहीं है। क्या अकबर यहाँ नहीं आया? हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे अकबर को? कहाँ गया मेरा अकबर? अकबर, thank you.
यहाँ पर मत बैठिए, ये अरब साहब की जगह है। अहवाला कर डाल के दुनिया है दो दिन की। ऐ जुम्मे जुम्मे जुम्मी कितने भी गुम भी गलत कर डाल के दुनिया है दो दिन की। नौजवान, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने बड़ा एहसान किया है। इन्हें तो बहुत चोटें आई हैं। हुआ मिजाज कैसे हैं? अच्छा ही। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं जो आपने मौत से खेलना पसंद किया। काश मर ही गया होता। ओहो, बेजार मालूम होते हो जिंदगी से। अच्छा ये तो बताओ, जख्म कैसा है? अपना जख्म तो क्या फिक्र, डॉक्टर कहता है जख्म 2-3 रोज में बिल्कुल भर जाएगा। देखने वाले तो यही कहेंगे, उन्हें क्या खबर। घबराओ नहीं बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर देखभाल में कोई तकलीफ हो तो मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं।
नहीं रखा था, अजनबी ने इस घर के चिराग को बुझने से बचाया है। जानती हूँ कि तुम तूफानों को अपने दामन में समेटकर यहाँ तक लाई हो, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि किनारा तुमसे और दूर हो गया। मेरी बदनसीबी है अम्मी कि ना मायके में खुशी छोड़कर आई, ना ससुराल में खुशी लेकर आई। मेरे आते ही अंधेरा हो गया आपके घर में। नहीं बेटी, तुम तो अंधेरे घर में चिराग बनकर आई हो, मगर समझ में नहीं आता कि अकबर घर छोड़कर चला क्यों गया। उसे तो तुमसे बड़ी मोहब्बत थी बेटी, तुम्हारा ही नाम ले लेकर जी रहा था वो, फिर उसने ऐसा किया क्यों, तुम कुछ जानती हो बेटी? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ अम्मी कि शायद मेरी तकदीर उनकी मोहब्बत से वफा ना कर सकी। मैं तो अपनी तकदीर को रोया करती हूँ। जब कोई अपनी तकदीर पे रोता है तो जमाना उस पे हंसतियाँ करता है। मिर्जा साहब। ज़रीना बेटी, अकबर का पता लगाने के लिए मैंने अखबारों में खबर छपवा दी है, मिलने जुलने वालों से भी कह रखा है, मुझे यकीन है कि वो एक दिन... अभी तक कहीं पता नहीं चला मेरे अकबर का। एक न एक दिन जरूर पता चल जाएगा, अकबर जरूर वापस आएगा। अकबर की माँ, ममता की पुकार और मोहब्बत भरे दिलों की फरियाद खुदा के फैसले को भी बदल दिया करती है। ज़रीना बेटी, तुम्हारा खोया हुआ अकबर मेरे पास इस घर की अमानत है कि मैं इस अमानत को एक दिन लौटा के ही रहूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान छोड़ दुनिया के किसी कोने में भी चला गया हो। हिंदुस्तान छोड़ने की वजह न पूछिए मत, सीने में चुभे तीर जब निकाले जाते तो और भी तकलीफ होती है। बड़ी दर्द भरी कहानी है तो। मगर अजीजम, हमको भुलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि इंसान अपने आप को किसी काम में लगाए रखे। अगर तुम मेरे काम में हाथ बटाओ तो बड़ी खुशी हो मुझे, तुम्हारा गम भी गलत हो जाए और मेरी भी मदद हो जाएगी। हमारे कारखाने में ज्यादातर पीतल का सामान तैयार होता है जी। ये हैं हमारी फैक्ट्री के खास कारिंदे अनवर बे, तुगरल खां, पाशा और आरिफ। आप हैं हमारी फैक्ट्री के इंचार्ज मिस्टर आरिफ। आपकी तारीफ। आप हैं मिस्टर अकबर खां, हिंदुस्तान से तशरीफ लाए, आज से हमारे ऑफिस के मैनेजर होंगे। अनवर सुनो, जल्दी दोस्ती हो गई। अकबर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ, ये है तुम्हारी कुर्सी जहां तुम्हें अपने गम को भुलाना है। अकबर बेटा, याद रखो, जिंदगी जिंदा रहने के लिए है, समझे? बैठो बेटा, बैठो बैठो। मैंने कहा नौकरी मुबारक हो। शुक्रिया। अगर मैं आपको घर तक पहुंचा दूं, कोई इतराज? तकल्लुक नहीं क्या करते, तकलीफ होती है। अजी, किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। कहवा खाना क्यों भूल गया हिंदी? काम में रहता सारा दिन सारी रात। एक बात पूछूं, क्या हिंदुस्तान में लोग मुस्कुराए नहीं करते? मुस्कुराते मगर अपने हाथ। चोट खाए हुए मालूम होते हो? सकता जी चाहता है दुनिया की सारी मुस्कुराते छिप। चलिए। मगर मुझे तो अपने मकान जाना है। ये भी तो आप ही का मकान है। शर्म कर, सिर्फ एक गिलास। वो मौसम जिसे लोग जवानी कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आया करता है। जानता हूं, फिर भी जिंदगी से रूठे हुए हो। बेजुबान हिंदी, क्या मोहब्बत ने उदासियां दे रखी है? मोहब्बत क्यों, क्या इस नाप से भी नफरत हो गई है? नफरत तो मुझे खुद अपने आप से हो गई है। ओ, मालूम होता है वतन से बहुत बड़ा हादसा लेकर आए हो। क्या किसी ने बेवफाई की है?
हाँ। किसने? जिंदगी। जिंदगी? जिंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का नाम है हिंदी। मोहब्बत ने तुम्हें दर्द दिया है और दर्द की दवा भी मोहब्बत ही हुआ करती है। बुझे हुए चिराग चिराग से ही जलाया करती है। टूटे हुए दिल मोहब्बत भरे दिल ही जुड़ा करते हैं। क्यों? एक वीरान घर का दरवाजा खटखटा रही हो जहां मुद्दत से कोई नहीं रहता। मैं उस घर को बसाना चाहती हूं। जब से तुम्हें देखा है पूजा हुआ पाया है। रोशनी देना चाहती हूं तुम्हें, एक नई जिंदगी। मेरे होठों पर मोहब्बत के नगमे हैं, मेरे सांस पर धड़कते हुए दिलों की पुकार है। मोहब्बत की पुकार जो सोए हुए अरमानों के पीछे ए खुदा मजबूर की फरियाद है तेरी दुनिया में कोई बर्बाद है। ना खुदा बिछड़ा खुदा के काम में जाए हम अब किसका दामन थामने। भीख दे
कर सवाली आए हैं तेरे दर पर हाथ खाली आए किस लिए तेरे करम देर है फिर देर तकदीर का गर फेर है फिर देर तकदीर का गर फेर है ओ अकबर साहब आइए आइए तशरीफ रखिए जी तकलीफ देने आया फरमाइए मुझे कुछ रुपए हिंदुस्तान भेजने थे हाँ जरूर जरूर लीजिए ये फाइल भर दीजिए जी अपने घर भेज रहे हैं जी हाँ अपनी माँ को भेज रहा जी हाँ मैं ही हूँ अकबर की माँ यह रुपया मिस्र से आपके नाम आया है मिस्र से किसने भेजा है मिस्टर अकबर खान ने अकबर मेरा बेटा बेटी जरीना जरीना बेटी क्या हुआ अम्मी अकबर सलामत है बेटी अकबर सलामत है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हारा अकबर मिल गया उसने रुपए भेजे हैं मिस्र से इतनी दूर बंग बाबू लेकर आए हैं माँ जी रुपए की रसीद कर दीजिएगा उनका पता क्या है बाबू साहब जी उनका पता तो हमें ही मालूम नहीं मगर आप चाहें तो चिट्ठी लिख दीजिए बैंक की मार्फत भिजवा दी जाएगी अम्मी बेटी तू चिट्ठी लिख दे खबर लगी कि तू यहाँ है तो वो उड़कर आ जाएगा पे रोई मुझ पे हंसा जहां छुपा
सकूं ना दिखा सकूं मेरे दिल के दर्द भी हुए जवान। शिकायत नजर के शिकवे एक जुबार लाख बया छुपा सकूं ना दिखा सकूं मेरे दिल के दर्द भी हुए जवां। मेरे रास्ते से हट जा आरिफ। तुम रास्ता भूल रही हो आरिफ। नूरी, जब से ये हिंदुस्तानी छोकरा आया है तुम्हारे रंग ही कुछ और हो गए हैं। तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? अच्छा, तो अब हम कौन हो गए? याद रखो नूरी, आरिफ जिस चीज को हासिल करना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। देख लूंगा। साहब कहाँ है तुम्हारे? सब साहब को मुझसे पूछते हैं, साहब भी सबके लिए मुझे से पूछते हैं, मगर मैं साहब से कभी कुछ नहीं पूछता। मैम साहब, क्या साहब नहीं है? अभी आते ही होंगे। हमारे बैंक के मैनेजर साहब ने ये खत भिजवाया है। लो, मैं उन्हें दे दूंगी। शुक्रिया। हिंदुस्तान, सरीना, अज दिल्ली, मेरे सरताज, बदनसीब का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। आप समुंदर पार क्या गए, मेरी आंखों में समुंदर भर गए। गलत फहमी ने आपको मुझसे बहुत दूर कर दिया है, मगर मैं हमेशा के लिए आपके होकर आप ही के घर में इंतजार की शमा जलाए बैठी हूँ। खत के मिलते ही फौरन अपने आने का तार दीजिए, ऐसा ना हो इंतजार की शमा बुझ जाए। आपकी सरीना। नहीं नहीं, मैं अकबर को कभी हिंदुस्तान वापस नहीं जाने दूंगी। बेटी जरीना, देखो डाकिया आया है। डाकिया? अकबर की चिट्ठी आई है। मैंने कहा था ना तुम्हारी चिट्ठी मिलते ही वो आ जाएगा। कब आ रहा है मेरा बेटा? आ रहा है ना? क्या लिखा है मेरे अकबर ने? जल्दी पढ़ो। इलाही खैर, खुदा के लिए जल्दी बताओ क्या हुआ मेरे अकबर को। बता दीजिए मैं क्या हुआ अकबर को। अम्मी, हम बेटी का सुहाग उजाड़कर खानदान की लाज तो रखे आपने। जब आप बेटी को बेवा बनाकर जिद तो पूरी हो गई, अब तो कलेजा ठंडा हुआ आपका। बेगम, कितनी बड़ी सजा दी है आपने सरीना को। न जाने क्या हाल हो रहा होगा बेचारी का। आपकी हर धर्मी ने जिंदगी भर के लिए आंसू सोमती है। अभी उसके हाथों की मैली भी मैली ना होने पाई थी, हाथों की चूड़ियां तोड़ दी थी। Thank you.
हुजूर। अब्बा हुजूर ने अपनी बेटी को बेवा बना दिया, एक दुल्हन का सुहाग उजड़ गया, एक माँ की गोद पर झाड़ू फिर गई। इन सब का जिम्मेदार मैं, मेरी वजह से अकबर ने वतन छोड़ दिया, मेरी जाति से उसने दुनिया छोड़ दी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ अकबर की माँ, मुझे माफ कर दो। तकदीर का लिखा पूरा हो रहा है नवाब साहब। तकदीर कभी कभी अपने हाथों बिगड़ जाया करती। सब्र करो बेटा, अगर खुदा इंसान से जिंदगी और मौत का सौदा करता तो मैं अकबर को उससे मांग के अपने आप को खुदा के हवाले कर देता। मेरी सजा यही है, खुदा मुझको कभी ना माफ करेगा, खुदा मुझको कभी ना माफ करेगा। जरीना बेटा, बेटा मुनासिब तो यही है कि अब तुम मेरे साथ चली चलो। जिस उम्मीद का सहारा था अब तो वो भी टूट चुका है। उम्मीद ना सही, मेरा फर्ज तो बाकी है अब्बा हुजूर। यहाँ रहकर आज तक फर्ज ही तो पूरा करती रही हो। तुम नहीं जानती हो बेटा, जिस दिन से अकबर की मौत की खबर आई है तुम्हारी माँ का रोते रोते बुरा हाल मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए चली चलो। वो तो फिर भरे घर में है अब्बा हुजूर, लेकिन जिस माँ की जिंदगी का सहारा परदेश में चल बसा हो उसे किसके आश्रय छोड़ जाऊं। जिद नहीं किया करते हैं बेटा। नहीं अब्बा हुजूर, मुझे मजबूर ना कीजिए। अब तो इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। आहा, आशिक का जनाजा था, बड़ी धूम से निकला होगा। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो फिर से तुम्हारे खानदानी होने की उम्मीद पैदा हो गई उस समय। यार ब्राइम, एक बात पूछूं, तू मुझे खानदानी बनाने की सोच रहा है या मुझको दिवालिया बनाने का रास्ता निकाल रहा है? फिर वही दिल तोड़ने वाली बात। अमा यूसुफ मियां, मैं तो दुआ मांग रहा था कि कब अकबर का कांटा साफ हो और तो अकबर तेरी दुआ से मर रहा होगा। जान दे यार जान दे, तू तो मुझको पूरा काट का उल्लू समझ रहा है। अरे यूसुफ मियां, जरा सोचो तो, अब जरीना बेगम से तो कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए अगर फिर से तुम्हारा जिक्र छेड़ा जाए तो फौरन शादी हो जाएगी। अब तो समझदारी की बातें कर रहा है। तो लाओ मिलाओ हाथ। हाथ तो मिला रही हूँ पर देख नावे का जिक्र न बुझा रही हो। हाँ कह दे रही हूँ, एक बार रिश्ता जोड़ दे और फिर हमारी ठाट देख। तो ये बात तो देख, फिर मैं भी, मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। कल्लन, एक कल्लन, क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? वैसे तो शक्ल ही ऐसी है, मगर आज तो किस्मत को रो रहा हूँ। सोचता हूँ कि अभी तक अपना कुछ नहीं हुआ। किस्मत ने चाहा तो होगा भी नहीं। अरे 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 अरे, अपने आप को बदवाएं दे रही हो। देखो अकबर मियां मरे तो छोटी सरकार बेवा हो गई, मगर तुम तो मेरे जीते जी बेवा की जिंदगी गुजार रही हो। क्या? अरे तुम समझती काहे को नहीं, सच कहता हूँ कि औरतों के बेवा होने का मौसम आ गया है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। वो तो है ही। अरे जरा सुनो तो, छोड़ कल्लन के बच्चे है? बच्चे? अरे अरे अभी शादी तो हुई नहीं, ये कल्लन के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूँ। लो वो पुरानी बला फिर आ गई। कहो कल्लन मियां, मिजाज कैसे हैं? अजी मिजाज तो बड़े आदमियों के पास होते हैं। कहो अब क्या नवाब साहब की शादी कराने आए हो? नवाब साहब, आधा घंटे से बुला नवाब साहब। आओ भाई इब्राहिम बेग। मैंने बार बार आना मुनासिब नहीं समझा। एक तो यूं ही गम होता है और फिर अफसोस करने वाले याद दिला दिलाकर और फिर उलाते हैं।
ये तो दुनिया की रस्म है इब्राहिम बेग। बैठो भाई बैठो। मुझे तो छोटी सरकार का ख्याल आता है, हाथों की मेहंदी भी मैली ना हुई थी कि सुहाग जड़ गया। क़िबला, अगर आप गुस्ताखी न समझें तो आपको फिर से कुछ फिक्र करनी चाहिए। फिक्र तो बहुत कुछ है, मगर रिश्ते भी कोई रास्ते पर नहीं पड़े रहते इब्राहिम बेग। शरीफों के लिए बड़ी दिक्कत है। डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए, वरना मशवरे के तौर पर अर्ज करता कि। कहो कहो इब्राहिम बेग, रुक क्यों गए? आजी मेरा तो ख्याल था कि अगर आप अपने वही यूसुफ मियाँ को फर्जंदी में कबूल फरमा लें तो। यूसुफ मियाँ? माना के खानदान नहीं, मगर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि दौलत सौ ऐब ढांप लिया करती। हाँ ये तो तुम ठीक ही कहते हो इब्राहिम बेग, मगर इस हादसे ने मेरा दिमाग चकरा दिया। इसीलिए तो कहता हूँ क़िबला कि यूसुफ मियाँ ज़रीना बेगम की शादी कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आपका हमदर्द हूँ, गलत राय तो कभी ना दूंगा। क्यों, क्या सोच रहे हैं क़िबला? सोच रहा था पहला रिश्ता यूसुफ का तुम लाए थे, उससे ठुकरा कर जो फल पाया है मैंने किसी से नहीं छुपाया। आज जब फिर उस रिश्ते की बात उठी है तो अब हाँ हो ही जानी चाहिए क़िबला। मगर बात यह है इब्राहिम। हाँ जी क़िबला, बुजुर्गों ने कहा है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, मिलाइए हाथ। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि आधा बज रहे। मैं वो बला हूँ शीशे से। वैसे इब्राहिम के कहने क्या आए थे? यही हमदर्दी के दो लफ्ज, और क्या। ये लोग हमारे पुराने दोस्त हैं, यूसुफ का रिश्ता लेकर आए थे। सोचता हूँ बेवा लड़की को रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला करता है, और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़े। फिर आपका क्या ख्याल है? अरे अब ख्याल व्याल छोड़ो, ये शादी तो हो ही जाना चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती अब्बा हुजूर। ज़रीना। आओ बेटी। अब्बा हुजूर, मुझे आप लोगों के सामने जबान खोलते हुए शर्म आती है, मगर क्या करूं, अपने दिल से मजबूर हूँ, मैं अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकती। आप लोग ये ख्याल छोड़ दीजिए। ख्याल छोड़ दूं, और वो भी अपनी बेटी का? औलाद की मोहब्बत को माँ बाप खूब समझ सकते हैं। ये तुम्हारे फूलने फलने के दिन है बेटा, आबाद होने के, जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सहारे की जरूरत है। मेरे लिए अब उनकी याद का सहारा जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ बेटा, मगर तुम अपने अब्बा हुजूर के जज्बात को नहीं समझ रही। मैं सब कुछ समझती हूँ अब्बा हुजूर। फिर बिना समझी से काम ले रही हो? जरा तुम खुद ही सोचो बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, बड़ी मुरादों के बाद पाया है तुम। अगर तुम्हारे बाद इस खानदान का नाम लेवा ना रहा तो इस घराने का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। तो क्या तुम ऐसा चाहोगी बेटा? मेरी अच्छी बेटी लेला। लेला, अरे तू कहाँ है लेला? आ गई हूँ सर। लेला, मैं तेरे लिए खुशी खबरी ला रही हूँ। क्या अच्छी खुशखबरी है सर? इतके में सचमुच शादी कर रही हूँ। शादी? सच हूँ सर। हाँ, तुम सच कह रहे हो? तेरी कसम। मगर कब? जब तू इजाजत दे दे। हटो जी, ये क्या तमाशा है, जिनकी शादी है उन्हें खबर ही नहीं। अरे मेरी लैला, खबरी तो देने आ रही हूँ। मेरे लिए आखिर तुम मान ही गए? मैं तो न जाने कब से मान रहा हूँ, पर वो नवाब मान गया तो बस इतके साल मैं जरूर खानदानी हो लूंगा। नवाब? तो क्या नवाब के लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है? तो मैं इतनी देर से क्या बकरिया हूँ? तो ये है वो खुशखबरी जो मैं सुनाने आये, झूठे फरेबी, तुम्हारे वादों पर मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर रखी थी और तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, ब्राहिम कह रहा है। नहीं यार ब्राहिम, नामा तो अपने पास है ही, नवाब के घर रिश्ता हो गया तो बस खानदानी हो रहूंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारे और तुम्हारे इब्राहिम की, कल मुआ मिल जाए तो मुँह नोच लूं ठग जमाने भर का। मैं वो बला हूँ शीशे से, पत्थर को तोड़ दूं। आ गए बला बनके,
मेरे घर में आग लगा के तमाशा देखने? क्या बात है लैला भी, इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? छी चाहता है अंगारे भर दो तुम्हारे मुंह में। यूसुफ को मुझसे छुड़ाकर मेरी दुनिया लूटने आए हो? ओ तो इसमें बुरा ही क्या है लैला भी, तुमने हजारों की दुनिया लूट रखी होगी। तुम्हारे कबीले की तो रस्म ही यही है, सैकड़ों भरे घर उजाड़ फेंके होंगे तुमने। और अगर आज किसी दूसरे का वार तुम पर चल गया तो बल क्यों खाने लग गई हो? ये कैसे हो सकता है मेरा दोस्त एक नाचने वाली के साथ? जलील खुशामदी, तूने समझ क्या रखा है मुझे? जान दे लैला जान दे, मैं नवाब की लड़की से तो खाली शादी कर रही हूँ, पर तुझसे मोहब्बत भी कर रही हूँ और शादी भी कर रही हूँ। अरे चार शादियाँ कर सकता हूँ क्यों यार इब्राहिम? लालच भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी शादियों पर। निकल जाओ यहाँ से, आइंदा तुम दोनों ने सूरत दिखाई तो याद रखो, निकल जाओ। अरे पर इतना जुल्म काहे को मार रही है? जा तो रही हूँ पर जाते जाते दिल में तेरी याद लेती जा रही हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के तो देख। आप दफा होते हो या बुलाओ शमू को? आवा यूसुफ मियां चलो, सस्ते में खलासी हो गई, नहीं तो सारी की सारी ठेकेदारी इसी कोठे पे धरी रह जाती। लैला भी मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। चलो यूसुफ मियां चलो। Thank you.
जात तुमने दी। अच्छा हुआ मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल गई। गुनाह? कैसा गुनाह? हिंदी हिंदी। मैंने तुम्हें दीवानों की तरह चाहा है, उस मोहब्बत के सदके मुझे माफ कर देना। हिंदी मैंने आप बेगम से मिलने आई? जी नहीं, आपसे मिलने आई। आप कौन है? मेरा नाम लैला है। नाम तो मालूम हो गया मगर काम नहीं मालूम हुआ। कल्लन कल्लन जी, जी जी सरकार। कौन आया है? कोई औरत है सरकार। औरत? कौन औरत होगी? कोई सरकार, मैंने बुरका उठाकर तो देखा नहीं सरकार। सच कहती हूँ नवाब साहब, कमबख्तों ने ऐसे फेर डाले कि बात का अता पता ही न चलने दिया। इधर आपसे ये चाल चली कि अकबर को नवाब बनाकर आपके पास पहुँचा दी, उधर उस बेचारे से कहा कि नवाब साहब को तुम्हारा खानदान मालूम हो चुका है, आपसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था उन्होंने। तो ये आग इन लोगों की लगाई हुई थी मगर अब हो भी क्या सकता। बी लैला, हम इब्राहिम को जबान दे चुके और हम जबान दे के नहीं फिरा करते। ये शादी तो अब हो ही जानी चाहिए। आए खाए, मैं कुर्बान जाऊं अपने यूसुफ मियां पे, खुदा झूठ ना बुलाए, आज तो सूरत से बिल्कुल खानदानी दिखाई दे रहा हूँ। यार ब्राहिम, सूरत से तो मेरा बाप भी खानदानी दिखाई दे गया था, पर कब्रिस्तान में भी आलू पालक ही बेच रहा होगा बेचारा। यार ब्राहिम, एक काम करियो, बरात सब्जी मंडी से होकर गुजारियो, बड़ा मजा आ जाएगा। तमा फिर वही पूछ लो किसी बात, तुम्हें तो अब नवाबों की तरह बातचीत करना चाहिए। आधा बजा ला गया हूँ किबला। हाँ ये कुछ बात हुई? अरे अपने यूसुफ मियाँ की बारात तो चांदनी चौक से होकर गुजरे, बाजे गाजे आतिशबाजी और घोड़े। बस 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 पानी आ रहा पानी। हाँ मुझे तुम्हारी लैला पे तरस आ रहा है, इब्राहिम के मुकाबले में आ रही अमा तुम्हारे इब्राहिम के मुकाबले में। क्यों अब तो मानते हो ना मैं वो बला हूँ? मानता हूँ उस्ताद, मानता हूँ। मिलाओ मिलाओ हाँ, लेकिन जरा सोच समझ के, शादी के बाद चाहे फिर कभी ना मिलाना, लेकिन आज तो इकट्ठा ही मिला लो। यार इब्राहिम नावा बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। लाओ भी मैं गिन लेता हूँ। परवरदिगार क्या यही है तेरा इंसाफ? तूने परदेश में इस घर का चिराग बुझा दिया, तूने गरीब माँ की ममता उसकी आंखों से दूर करके लूटी है। क्या तेरा रहम दुनिया से उठ गया दाता, जो एक भुखियारी से उसे माँ कहकर पुकारने वाला भी छीन लिया है। माँ! किसकी आवाज? माँ मेरे अकबर की आवाज। इलाही खैर
माँ अकबर तू बेटा तुम जिंदा बेटा बेटा तुम जिंदा माँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है न जाने किसने तेरे दुश्मनों की मौत का तार दे दिया था मौत का तार मेरी मौत का तार मां अभी दिखाती हूँ बेटा यही कहीं रखा था ये रहा अकबर खान एक्सपायर्ड फ्राइडे 27 नूरी नूरी तो यही था तुम्हारा गुनाह कौन नूरी कैसा गुनाह बेटा ये एक लंबी कहानी है फिर कभी सुनाऊंगा जरीना कहाँ है नवाब साहब जरीना कहती है मैं जान दे दूंगी मगर ये शादी हरगिज नहीं करूंगी वो आने से इनकार कर रही है उसे आने ही पड़ेगा हमारे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता आओ भाई मिर्जा आओ अच्छा ही किया नवाब साहब जरीना बेटी की दूसरी शादी कर दिया मेरे होते हुए शादी नहीं हो सकती माँ कभी नहीं हो सकती जरा जल्दी करो ना बाबूजी मिलेट पे पहुंचा देता हूँ चल बेटा फ्रंट रेल की चाल चाल क्यों यूसुफ मियां बना दिया ना खानदानी लाओ मिलाओ हाथ यार ब्राइम तू तो पैसे सूंघ लेता है चुकाने आ गया हूँ अकबर यार ब्राइम अकबर जिंदा है अकबर मैं भी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए शादी जायज करार नहीं दिया सकती अकबर भाई जाओ दलील कमीनो दलील कमीनो तुमने दोस्ती की आन मुझे बर्बाद किया मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा अच्छा ये बात थी मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अफसाने सुनाए गए थे तो यही थी तुम्हारी मोहब्बत तुमने तो मुझे लिखा था कि मैं आपके घर में आप ही की होकर इंतजार की क्षमा जलाई बैठी हूं यही है तुम्हारी इंतजार की क्षमा जाओ यूसुफ ले जाओ सुनिए अब सुनने सुनाने के लिए क्या बाकी रह गया मोहब्बत और दौलत में जंग हुई मोहब्बत ने अपनी शिकस्त मान ली मोहब्बत की कभी शिकस्त नहीं लेला, 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 ओ, अरे 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 हलावर है मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ हमारे होते हुए खानदान की इज्जत लूटने चले थे तो चप रहा जी
तेरी आपके दो गा तो नहीं खा रही है। अरे बेगम, अरे बेगम, तुम्हारी मुरादें पूरी हो गई, घर में लिखे जनाब जनाब तुम्हारा दामाद आया है। दामाद? ज़रीना बेटी, तुम्हारा रूठा दूल्हा वापस आ गया। अकबर, 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 मालकिन। नहीं नहीं समझा। आओ अकबर की माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच तो यह है कि आज जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। हो सकता है हमारा ये मिलाप दुनिया वालों के लिए सबक बन जाए और ये छोटे बड़े का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मिर्जा ने ठीक ही कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा खानदान इंसानियत है और इंसानियत का कोई खानदान नहीं। अब आप अजी, अब आ भी जाओ गम, ए गम, मुर्दे जिंदा होकर आए और दूल्हा लेकर चले भी गए। आओ ना, आ जाओ, आ जाओ। अकबर भाई, मुबारक हो। मिलाओ हाथ, खाली हाथ। यार ब्राहिम, तू यहाँ भी अपनी गाड़ी हाथ रही है? यूसुफ मियां, यूसुफ मियां।